दुनिया में हर खेल का अपना अलग क्रेज है, लेकिन WWE कुश्ती का एक ऐसा खेल है जो अपने मनोरंजन की वजह से पूरी दुनिया में लोगों का सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े सभी इस खेल के दीवाने हैं। और अगर हम इस समय के सबसे प्रसिद्ध खेलों की बात करेंगे तो WWE उनमें से एक जरूर होगा। जॉन सीना, अंडरटेकर, ड्वेन जॉनसन, जिन्हें दी रॉक के नाम से भी जाना जाता है, ये कुछ ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो WWE की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल समथिंग इंटरेस्टिंग में। और आज हम आपको WWE के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। सन 1920 के दशक में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जिस मैकमैन ने इसकी शुरुआत की थी और इसका नाम कैपिटल रेसलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रखा था। 1954 में जेस मैकमैन की मृत्यु के बाद उनके बेटे विंसेंट मैकमैन ने कैपिटल रेसलिंग कॉरपोरेशन को संभाला और अपने पिता की कंपनी को उस ऊंचाइयों तक ले गए जिसे आज आप देखते हैं। WWE का पहला रेसलमेनिया 31 मार्च 1985 को न्यूयॉर्क शहर के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ था। इस रेसलमेनिया में हल्क होगन और मिस्टर टी ने पॉल एंड्रोफ और रॉडी पाइपर को हराया था। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट को हमेशा से WWE के नाम से नहीं जाना जाता था। सन 1979 से लेकर 2002 तक इसे वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन या WWF के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के एक मुकदमे के बाद इन्होंने अपने नाम को WWF से बदलकर WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट कर दिया। अगर हम WWE के मशहूर खिलाड़ी जॉन सीना की बात करें तो जॉन सीना अब तक 16 WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं। जॉन सीना के अलावा रिक फ्लेयर ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। रिक फ्लेयर की बेटी शार्लेट फ्लेयर इस समय WWE में धूम मचा रही हैं। 1991 और 2013 के बीच अंडरटेकर ने लगातार 21 रेसलमेनिया मैच जीते, लेकिन अंत में रेसलमेनिया 33 में अंडरटेकर ब्रॉक लेसनर से एक मैच हार गए। वैसे तो आमतौर पर रेसलमेनिया संडे यानी रविवार के दिन होता है, लेकिन दूसरा रेसलमेनिया एकमात्र रेसलमेनिया है जो मंडे के दिन हुआ था। रॉयल रंबल के मैच में नंबर 27 अब तक का सबसे लकी नंबर रहा है। नंबर 27 पर आने वाले खिलाड़ियों ने अब तक सबसे ज्यादा बार रॉयल रंबल में जीत हासिल की है। मशहूर WWE सुपरस्टार डेनियल ब्रायन के नाम सबसे लंबे समय तक रॉयल रंबल मैच में रहने का रिकॉर्ड है। उन्होंने सन 2018 में सऊदी अरब के ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल के दौरान 1 घंटे 16 मिनट तक रिंग में रहकर ये रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि इसके बावजूद भी ब्रायन इस मैच को जीत नहीं पाए थे। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपको WWE से जुड़े इसी तरह के किसी और फैक्ट के बारे में पता है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।